हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं पुरानी, उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि संज्ञा जो चैप्टर है हमारा या हिंदी की जितने भी पार्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों को ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के, उनकी एक्सरसाइज भी मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो सिंपली देखिए, आप बच्चों को क्या क्या करवा सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा के ऊपर। ओके, संज्ञा के ऊपर ही हम आज का जो हमारा अभ्यास रहेगा करने के लिए वो ये रहेगा। यहाँ पर आपको क्या देना है बच्चों को, क्लास वन का है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास टू के बच्चों को भी आप ये करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के बच्चे के जो स्कूल है उसमें किस तरीके का सिलेबस चल रहा है। दो दो वस्तुओं के, स्थान के, नगरों के, पशुओं के नाम लिखने, जैसे कि वस्तुओं के नाम, दो वस्तुओं के नाम लिखने। वस्तु क्या होगी, एक वस्तु हमें यहाँ पे दी हुई है कमल, दूसरा हम लिख सकते हैं किताब। ओके, इस तरीके से किताब लिख सकते हैं। स्थानों के नाम आप जैसे कि दिल्ली लिख सकते हैं, आगरा लिख सकते हैं, वो क्या है, स्थान है, जगह है। नगरों के नाम, नगर कौन कौन से होते हैं आप वो उनके नाम यहाँ पर लिख दे सकते हैं बच्चों को। और ऐसे ही पशुओं के नाम, पशु कौन कौन से होते हैं उनके नाम आप बच्चों को फिल करने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर दो आता है, क्वेश्चन नंबर दो आता है, वो होता है वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। जो भी संज्ञा शब्द किसी भी वाक्य के अंदर उपयोग हुए हैं उनको चुनकर आपको बच्चों को अलग लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रखे हैं, लाइंस हमें दी हुई हैं, इन लाइंस में हमें लिखना है। जैसे कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या है, ये भी एक नाम है, नदी है ना ये गंगा नदी, और ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से। हिमालय क्या है, एक स्थान है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, संज्ञा हो गई, गंगा भी और हिमालय भी। उसके बाद में छात्र गेंद खेल रहे हैं, ठीक है, तो छात्र और गेंद दोनों ही हमारी संज्ञा है। इसके बाद में दूध में मक्खन है, दूध और मक्खन दोनों क्या हो गई, दोनों ही संज्ञा हो गई। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, तो ये भी रामायण और ग्रंथ जो है वो क्या हो गया, वो भी हमारी संज्ञा हो गई, और पवित्र भी हमारा संज्ञा ही है, ठीक है। इसके बाद में जो आप दे सकते हैं तीसरा, वो है खाली स्थान में संज्ञा शब्द भरिए। जैसे कि मैं अपने डैश का कहना मानता हूँ, अब संज्ञा यहाँ पे आप बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपने पापा का कहना मानता हूँ, मैं अपनी मम्मी का कहना मानता हूँ, मैं अपने गुरुजी का कहना मानता हूँ। इस तरीके से आप काफ़ी सारी संज्ञा शब्द भरवा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली वही एक वर्ड दिया जाएगा तभी बच्चों को नंबर्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह मेरी डैश जी का डैश है, यानी कि ये मेरी दीदी जी का पेन है, इस तरीके से हम लिखवा सकते हैं, या ये मेरी दीदी जी का कलम है, ठीक है। यह डैश बहुत गहरी है, ये नदी बहुत गहरी है, या ये कुआं बहुत गहरा है, वहाँ पे गहरी नहीं आएगा, सॉरी, कुएं के लिए तो गहरा आएगा, बट हाँ हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये नदी बहुत गहरी है। मेरी डैश मीठा डैश देती है, तो यहाँ पे सिंपली मेरी गाय मीठा दूध देती है, इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये जो अभ्यास करने के लिए संज्ञा का दिया जा रहा है चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इसके बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा क्रिया वाला, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको जो है बच्चों को नोटबुक में लिख करके भी दे सकते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। आई होप यू लाइक दिस।